दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के एक साल बाद यानी कि उसकी पहली बरसी पर अब उसके बदले की तैयारियां चल रही थी। इसके लिए पेटीएम से शूटरों को पैसे भी भिजवा दिए गए थे, हथियारों का इंतजाम हो गया था, चोरी की गाड़ियां भी मुहैया करवाई जा चुकी थी। लेकिन समय रहते दिल्ली पुलिस ने इन बदमाशों को गिरफ्तार करके दिल्ली के अंदर एक बड़े गैंग वॉर को घटित होने से बचा लिया। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। तो आखिर कौन है ये गैंगस्टर जो टेल्लो ताजपुरिया गैंग के बदमाशों को खत्म करने के लिए जितेंद्र गोगी की पहली बरसी पर योजना बना रहे थे, एक एक बातें बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें कि जिस गैंगस्टर को, जिस शूटर को गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने, ये अब से करीब 1.5 साल पहले जितेंद्र गोगी के साथ ही दिल्ली के GTB हॉस्पिटल में कुलदीप फज्जा नामक गैंगस्टर को छुड़वाने में उस समय आया था और उस वक्त यह फरार हो गया था। उसके बाद साल 2021 में ही जब कुलदीप फज्जा का एनकाउंटर हो गया था, उसी साल ये वहां से फरार हो चुका था और हरियाणा के जींद जिले में इसने ईश्वर नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी और वो फरारी काटने के लिए चला गया था हिमाचल। और उसके कुछ ही दिन बाद जब, यानी कि सितंबर के आसपास की घटना है पिछले साल, जब जितेंद्र गोगी की हत्या हो गई तो इसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना शुरू कर दिया, जितेंद्र गोगी को लेकर सहानुभूति भरे वाले पोस्ट। और इस पोस्ट को लेकर उस मेंशन किया करता था दीपक बॉक्सर को। दीपक बॉक्सर वही है जो आज के मौजूदा वक्त में कहा जाता है कि जितेंद्र गोगी की गैंग को ऑपरेट कर रहा है, जो कभी खिलाड़ी बनना चाहता था। साथ ही अंकेश लकड़ा नाम के एक और गैंगस्टर से इसकी सोशल मीडिया पर मुलाकात होती है। अंकेश लकड़ा इस वक्त जेल के अंदर बंद है लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो वहां पर करता है, कैसे करता है जांच का विषय है। लेकिन अंकेश लकड़ा ने फिर इसे एक और बदमाश यानी कि अंकिता उर्फ अन्नू से संपर्क करने के लिए कहा और इसने अंकिता उर्फ अन्नु से संपर्क किया। और इधर दीपक बॉक्सर इसकी मुलाकात विशाल नामक एक व्यक्ति से करवाता है और विशाल उससे सोशल मीडिया मैसेंजर ऐप के जरिए संपर्क करता है और उसे चोरी की गाड़ियां और हथियारों का इंतजाम भी करवाता है और पेटीएम में उसके कुछ पैसे भी ट्रांसफर किए जाते हैं और कहा जाता है कि इसके बाद जब काम हो जाएगा तो और भी पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद निर्धारित समय पर शूटरों से कहा जाता है कि वारदात को अंजाम दिया जाए, लेकिन वारदात को अंजाम देता उससे पहले ही उसकी एक दुर्घटना हो जाती है और दुर्घटना के बाद जब वो चोटिल हो जाता है तो वो चला जाता है चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ से फिर एक बार मैसेंजर ऐप के जरिए उसके विशाल से बात होती है और फिर विशाल उससे कहता है कि जितेंद्र गोगी की पहली बरसी पर कुछ ऐसा धमाका करना है कि सामने वाली गैंग को हमेशा ये बात याद रहे। लेकिन उससे पहले धमाका होता, पुलिस इन बदमाशों को पकड़ लेती है और अब इनके जो इरादे थे वो कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं। पुलिस इनकी इनसे भी रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 सितंबर 2021 आज से एक साल पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट नंबर 207 में सुनवाई चल रही थी और तभी टेल्लो ताजपुरिया गैंग के 2-3 बदमाश वहीं पर कोर्ट रूम में मौजूद होते हैं और वहीं से अपना बंदूक निकाल के वो फायर कर देते हैं, जिसके बाद जितेंद्र गोगी की मौके पर मौत हो जाती है और जो हमलावर वहां पर मौजूद होते हैं उनको भी वहीं पर मार गिराया जाता है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। तो जितेंद्र गोगी की पहली बरसी पर बड़ा धमाका करने की तैयारी की जा रही थी, हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। इसके साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में जो एक और गैंग वॉर का खतरा मंडरा रहा था उसे फिलहाल टाल दिया गया है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर जेल के अंदर सोशल मीडिया कैसे गैंगस्टर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है इस खबर में कि अंकेश लकड़ा ने जेल के अंदर से ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए मनदीप उर्फ JD से संपर्क किया था। दीपक बॉक्सर जो कि फिलहाल फरार बताया जा रहा है वो इस वक्त कहाँ है और इन सब बातों की जांच पड़ताल चल रही है और साथ ही इन बदमाशों से भी अभी और पूछताछ की जा रही है ताकि इस मामले में दीपक बॉक्स उसके भी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहिए आप BDF न्यूज और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।